পায়ে হেঁটে গোটা ভারতবর্ষে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন রাজস্থানের যুবক সম্পদ প্রজাপত। ইতিমধ্যেই 9,000 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে সেই যুবক। গণেশ পুজোয় ওই যুবক আলিপুরদুয়ারে এসে পৌঁছয়। এরপর উত্তরের সংবাদের মুখোমুখি হয়ে পায়ে হেঁটে তার তীর্থযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ জানায়। জানা গিয়েছে 2023 সালের 23শে জুলাই রাজস্থানের বিলওয়াড়া থেকে তীর্থযাত্রা শুরু করে। ইতিমধ্যেই উত্তর ভারতের কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, বৈষ্ণোদেবী মন্দির, অযোধ্যার রাম মন্দির, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, পশুপতি মন্দির, মুক্তিধাম, সিদ্ধেশ্বর ধাম, মথুরা সহ একাধিক মন্দির তীর্থস্থান দর্শন করে পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছেছেন। এরপর আলিপুরদুয়ার থেকে আসামের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন কামাখ্যা মায়ের দর্শনে। পূর্ব ভারতের তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণের পর তার উদ্দেশ্য দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করা। জানা গিয়েছে যুবক সম্পদ প্রজাপত গ্র্যাজুয়েশন পাশ করেছে। তার ভাবনায় পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের সংস্কৃতি জানা খুবই প্রয়োজন। जी, मेरा नाम संपत प्रजापत है। मैं भिलवाड़ा राजस्थान निवासी हूँ। हमें सुनाई दे रहा है कि आप पैदल 9,000 किलोमीटर पैदल चल के तीर्थस्थान घूम चुके हो। जी बिल्कुल, मैं पिछले 23 जुलाई 2023 को पूरे भारत की पैदल यात्रा पर निकला हूँ और लगभग मैंने 9,500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पश्चिमी बंगाल में अभी अलीपुर द्वार पहुँचा हूँ। जहाँ मैं उत्तर भारत में जितने भी अपने तीर्थ स्थल है, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, वैष्णो माता जी और पशुपतिनाथ और अयोध्या, काशी, मथुरा सभी जगहों पर दर्शन करते हुए अभी मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। पश्चिम बंगाल में जी, पश्चिमी बंगाल में मैं सिलीगुड़ी किशनगंज से प्रवेश करके सिलीगुड़ी आया था और सिलीगुड़ी से होते हुए अभी मैं आसाम कामाख्या माता के दर्शन करने जा रहा हूँ। आप कहाँ कहाँ जाओगे? और यहाँ से मैं पूर्वांचल में जाऊँगा, पूरे भारत के पूर्वांचल में, और उसके बाद वापस दक्षिण भारत में जाऊँगा। ये जो पैदल चल के यात्रा आपका, ये कैसे कैसे बनवाया? जी, वैसे तो मैं एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है मेरा, उसके बाद एक विचार आया कि हमें पढ़ाई के साथ साथ हमारी जो कल्चर है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के युवा हैं वो धीरे धीरे अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बिल्कुल ही खो रहे हैं, जिससे शायद ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर हमारी संस्कृति को हम खोएंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। और मैं तो उस भूमि में जन्मा हूँ जहाँ महाराणा प्रताप जी की जन्मभूमि है, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, और उस भूमि से जन्मा हूँ जहाँ भगवान श्री देवनारायण ने गौ माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है, और इन्हीं विचारों से शायद कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये विचार आया कि हमें भी एक बार भारत घूमना चाहिए और लोगों से जुड़ना चाहिए, युवाओं से जुड़ना चाहिए। ये जो अलीपुरद्वार जिसको द्वार कहते हैं, द्वार के जो गणेश पूजा में आके कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर, जो मेरे राजस्थान के भाई मिले, बड़े भाई साहब, तो इनका जो स्नेह हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, और यहाँ के लोग भी हमसे मिले तो जब उनको बताया कि मैं भारत यात्रा पर निकला हूँ तो उनका मन भी बड़ा प्रसन्न हुआ, और उनके द्वारा जो सम्मान दिया, वाकई में मेरी इस यात्रा के लिए एक नई ऊर्जा है। युवा के लिए आपका मोटिवेशन क्या है? युवाओं के लिए यही है कि देखो, आजकल क्या है कि धीरे धीरे सब यही नौकरी के पीछे भागे हुए हैं। हालांकि नौकरी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो संस्कृति है उसको जिंदा रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी कोई भटके नहीं और वो सही मार्ग पर चले, क्योंकि इस संस्कृति को हमारे महानुभावों ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के बनाया है, आने वाले भविष्य के लिए बनाया है, तो हमें उनको साथ में लेकर चलना चाहिए। 9,000 किलोमीटर कंप्लीट करने में आपको कितना दिन लगा है? मेरे को आज 415 दिन हो चुके हैं, और इस दौरान 9,500 किलोमीटर कम्प्लीट। पूरे भारत घूमने में कितने दिन लग सकता है? लगभग अनुमानित है कि लगभग 2 साल मेरे को और लगेंगे। संपत प्रजापति, भिलवाड़ा राजस्थान, मेवाड़ दरा, जहाँ महाराणा प्रताप जी की जन्मभूमि। राजस्थान থেকে শেষে ভারতবর্ষ যাত্রা করছে, ইতিমধ্যে উত্তর পূর্ব ভারত ঘুরেছে এবং আজকে গণেশ পূজার দিন আলিপুরদুয়ারে এসে পৌঁছেছে, একটু তার সম্পর্কে একটু বলো। ও আমাদের পরিচিতই আছে, ও আমাকে আগে ধূপগুড়ি থেকে একজন আমাকে খবর দিয়েছে, তারপরে আমি ওনাকে রিসিভ করেছি এখানে। যুবকদের জন্য উনি অনুপ্রেরণা, যে পায়ে হেঁটে চলছে এবং অবশ্যই আমাদের হিন্দু ধর্মের যে দর্শনীয় স্থানগুলি রয়েছে, ও পুরো ভারত ভ্রমণ করবে বলতেছে। 2 বছরের মধ্যে আমি পুরো, আমার টার্গেট আছে, আমি পুরো ঘুরবো। কেমন লাগলো তার সংস্পর্শটাকে দেখে? না, একে খুবই ভালো লাগেছে, এখানে আসছে, আলিপুরদুয়ারে থাকছে, তা বলে গণেশ পূজা সব ভালো, পরিবেশটা সবই ওকে অনেক ভালো লাগেছে। আমার নাম সঞ্জয় যোশী, আলিপুরদুয়ার। কুপন দিয়ে যাবো না, কুপন দিবি।